हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्वेश्चन। तो गाइस, हम इसी की तरह आज भी एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने में फिर से हाजिर हो। आज के इस वीडियो में हम अपडेट के बारे में बताएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हर 3 दिन बाद मेरा वीडियो आता रहेगा, ठीक है। जिन जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आधार के आईडी के ऊपर या कोई भी अपडेट के ऊपर हर 3 दिन बाद बाद वीडियो आता रहेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल का दबा के रखिएगा। और जो जो सब्सक्राइबर है उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग भी रेगुलर वीडियो वॉच करिएगा ताकि आपको भी हर चीज़ एक समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, मैं 3 आईडी प्रोवाइड करता हूँ। एक है सिर्फ सिंगल मोबाइल नंबर का आईडी, जिनका कॉस्ट है 1500 था, लेकिन अभी 1000 में हम लोग दे रहे हैं। और दूसरा होता है चाइल्ड इनरोलमेंट, जो कि है 1999 का, मतलब 2000 का, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चाइल्ड, जो 1 डे में जनरेट हो जाता है, ठीक है। 100% जेन्युइन आईडी है। जिन जिन भाइयों ने लिया है वो लोगों को पता है, वो लोग काम भी कर रहे हैं ज़बरदस्त, ठीक है। और अभी भी बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो कि फेक बोलते हैं, कोई ऐसे बोलते हैं, कोई वो बोलते हैं, कोई बोलते हैं आईडी नहीं दोगे, ऐसे ऐसे बहुत। तो भाई, जिनका विश्वास नहीं है वो तो बोले गए, तो उनके बारे में हम नहीं बोल रहे, क्योंकि ट्रस्ट अगर किसी ने नहीं किया तो उनको हम फोर्सफुली ट्रस्ट नहीं करा सकते, ठीक है। तो अगर आपके ट्रस्ट हो तो भी आप डिटेल एंड पेमेंट कीजिएगा, आप आईडी लीजिएगा। अगर ट्रस्ट ना हो तो आईडी मत लीजिएगा। सिंपल सी थ्योरी है मेरा, ठीक है। आपका अगर ट्रस्ट नहीं हो तो आप आईडी मत लीजिएगा। और जिन जिन ने ट्रस्ट किया है वो आईडी भी लिया है और काम भी फास्ट कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट काम यहाँ पे होता है, मेरे यहाँ फ्रॉड या झूठ का कोई जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लीगल सर्विस मिलता है, ठीक है। तो आज के जो हम अपडेट बारे बात करेंगे वो हम बाद में आते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, यह है चाइल्ड का आईडी। अगर आप लेंगे तो 2000 लगेगा और यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड इनरोलमेंट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ चाइल्ड इनरोलमेंट ही होगा। तो चाइल्ड इनरोलमेंट अगर आपने आईडी लिया हो या लेने के लिए सोच रहे हो तो आप ये आईडी ले सकते हो। इसमें आप सिंपली आप लॉगिन हो जाने के बाद आप डाटा किस तरह से लगाएंगे, एड कस्टमर पर आप चले जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे चाइल्ड का नेम, उसका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, उसके बाद पेरेंट्स का आधार, मान लो उनका फादर साथ में आया तो फादर का आधार होगा, या माँ आया साथ में तो माँ का आधार कार्ड होगा, उसके बाद हेड ऑफ फैमिली का आधार, जो साथ में आएगा अगर माँ आए तो माता का आधार यहाँ पे अपलोड होगा JPG फॉर्मेट में, ठीक है। और अगर फादर आया तो फादर का आधार यहाँ पे अपलोड होगा JPG फॉर्मेट में। चाइल्ड का फोटो JPG फॉर्मेट में अपलोड होगा। चाइल्ड का फोटो PNG अपलोड हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, या फादर का आधार या पेरेंट्स का आधार अगर PNG या किसी दूसरे वर्जन में आप लोग अपलोड करते हो तो डेटा रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको PDF में अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ PDF में अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर JPG PNG आपने डाला तो यहाँ पे डेटा रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा आता है फिंगर। तो फिंगर यहाँ पे आपको पूरा क्लीन फिंगर रखना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लैक है, ठीक है। तो ब्लैक फिंगर ज़्यादातर रिजेक्ट हो जाता है। तो क्वालिटी की कोई बात नहीं, क्वालिटी अगर 60-50 भी हो चलेगा, लेकिन फिंगर ब्लैक नहीं होना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए। फिंगर मंत्रा डिवाइस के स्कैनर पर आप जब रखोगे तो सिंपल से रखोगे, ठीक है। इतना आपको जोर से दबाने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा दबाना और फिंगर अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको दबाना, बस ये क्लीन है, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्लैक या नहीं है। तो सेम इसी तरह दो थंब फिंगर आपको दो में ले लेना है इसी तरह से। उसके बाद एक एक जो आए, अच्छा क्वालिटी जो आए, इस हिसाब से आपको ले लेना है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए, ये भी ब्लैक हो गया। तो इसी तरह से आपको रखना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं होना चाहिए, ये भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिंगरप्रिंट साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से फिंगरप्रिंट साफ साफ दिखाई देना होगा, ठीक है। तो ये फिंगर अच्छा होगा, मैं आपको और डेमो दिखाता हूँ। अगर फिंगर इसी तरह से रहोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये फिंगर ये रिजेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे अगर आप इस तरह से फिंगर लोगे यहाँ पे देख सकते हो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से फिंगर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का डेटा इसीलिए रिजेक्ट होता है क्योंकि वो लोग फिंगर क्वालिटी मतलब 80, 70, 90 के ले लेता है और यहाँ पे ब्लैक हो जाता है, इसलिए रिजेक्ट होता है। तो मैं भाई आप लोग को मैं बता दूँ, फिंगर क्वालिटी चाहे कम हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ब्लैक नहीं होना चाहिए। लास्ट में ये जो दो है देख सकते हो ये ब्लैक हो गया है ये दो। तो ये दो अगर रखोगे इसी तरह से तो आपका जो डेटा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एसएम तीन प्रोसेस जो मैंने दिखाया है इसी तरह से आपको लेना है। सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर किसी किसी रिटेलर ऐसे गधे रिटेलर है मैं क्या बोलूँ, और पागल भी है, आधार कार्ड का काम जानता नहीं है, आधार का काम कैसे होता है जानता नहीं है, और आईडी लेके बैठते हैं और सारा दिन दिमाग खराब करके रहता है। यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग डाटा लगाते हैं और डाटा लगाते ही मतलब चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो भाई हम लोग के हाथ में ये नहीं है कि हम किसी के भी आधार कार्ड जनरेट कर दें, ये हम लोग का हाथ में नहीं है। डाटा आप लोग लगाते हो तो ये डाटा मशीन में डालने के बाद ही सक्सेस होता है, उसके बाद यूआईडी में। किसी किसी ने बोलता है भाई प्रोसेस दिखा रहा, प्रोसेस दिखा रहा है। अरे भाई प्रोसेस दिखा रहा है उसका जवाब हम कैसे दें बोलो, वो तो यूआईडी के पास है, यूआईडी ने प्रोसेस में रखा है भाई, ये समझने की कोशिश करो। ये सिंपल सा थ्योरी है, आप लोग नहीं समझते हो। डाटा अंडर प्रोसेस में जब यूआईडी के यहाँ पे चेक करते ना, किसी किसी व्यक्ति ने यहाँ पे क्या करता है एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे दे देता है और तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस अंडर प्रोसेस आता है, वो भी स्क्रीनशॉट मार के भेज देते भाई अंडर प्रोसेस है। तो भाई ये क्या हमारा काम है जनरेट करने का बताइए, हमारा काम है डाटा यूआईडी को भेजने का, ठीक है। इसी में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो यूआईडीआई के पास जनरेट होगा, अंडर प्रोसेस होगा, कितना दिन लगेगा, ये यूआईडीआई की अथॉरिटी है भाई, ये तो हम लोगों के पास है नहीं। तो इसी तरह से आप मतलब पागलपन मत कीजिएगा, अंडर प्रोसेस है मतलब यूआईडी के पास है, हमारे से बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमारा बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमारे से बोल सकते हो जैसे कि जहाँ पे आप पेंडिंग डाटा है, ठीक है। तो पेंडिंग डाटा अगर है तो वो बोल सकते हो कि भाई पेंडिंग है अभी तक, वो हमें बोल सकते हो। अगर पोर्टल में सक्सेस दिखाया है मतलब यूआईडी के पास चला गया है, और जब यूआईडी के पास चला गया तो हमारे पास चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब तक पेंडिंग है हमारे से बोल सकते हो। तो भाई मैं और आपको बता दूँ, पेंडिंग का बात आया तो मैं बता दूँ, फेब्रुआरी की माह जैसे ही चला आया तब से ही यूआईडी का सर्वर बहुत ख़राब है, नंबर का काम टोटली नहीं हो रहा है, चाले का थोड़ा बहुत हो रहा है, नेम डीओबी का थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन नंबर का जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इसीलिए पेंडिंग भी बहुत हो रहा है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता से सारा काम करेंगे। दो तीन डाटा डालते हैं सर्वर ख़राब हो जाते हैं, फिर से 2-3-5 डाटा डालते हैं सर्वर ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए डाटा कम मतलब बहुत ज़्यादा कम सक्सेस हो रहा है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सभी का सक्सेस होगा, अपने आईडी लिए हो तो कोई टेंशन ना लो, आप शांति बनाए रखो, सारा काम होगा, ठीक है। तो भाई मैं आता हूँ अभी डीओबी नेम के ऊपर। तो डीओबी नेम के लिए बहुत भाई ने मुझे मैसेज करता है कि भाई जेन्यून है या होगा या नहीं, पोर्टल में नहीं होता, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक आईडी खोल कर रखा है, यहाँ पे नेम में जाऊँगा, सक्सेस लिस्ट में जाऊँगा, यहाँ पे देख सकते हो सक्सेस यहाँ पे है। तो मेरे यहाँ नेम डीओबी का 100% काम होता है, जेन्यून वर्क है, 3 दिन के अंदर आपका नेम डीओबी जो है वो है कम्प्लीट हो जाएगा। हाँ कभी कभी 5 दिन भी लगता है अगर सर्वर डाउन रहा तो, ठीक है, ये बात आपको समझना होगा, वो बात आपको समझना होगा। अगर यहाँ पे सक्सेस आया तो मतलब आपके जो डेटा है वो यूआईडी के पास चला गया, यूआईडी के पास चला गया मतलब ये डेफिनेटली हो जाएगा, हो सके तो 2-3 दिन लेट भी हो सकते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे जो ये जो आईडी है वो वर्ल्ड इन वर्ल्ड सर्विस का आईडी है, जिसमें आप मोबाइल नंबर, चाइल्ड एनरोलमेंट, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस सारा कुछ एक ही आईडी में कर सकते हो। और ये जो आईडी है इसका एग्जिस्टिंग कॉस्ट है 3,500 रुपीज़, मतलब 3,500 रुपीज़ है, ठीक है। ये आईडी अगर आपको चाहिए तो डिटेल के साथ मुझे पेमेंट कर दीजिएगा, 2 मिनट के अंदर आपको आईडी दिया जाएगा, 24x सपोर्ट रहेगा और 100% जेन्युइन आईडी है, 100% जेन्युइन काम करता है। जिन जिन भाई ने लिया है वो लोग काम भी कर रहे हैं, जबरदस्त इनकम भी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग का क्या इशू है, आप लोग ये वीडियो देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं, वो वीडियो देखते हो, आखिर में जा जाए जो फ्रॉड करता है उसी के पास चला जाते हैं और आप लोगों के पास फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। तो भाई मेरे से जिन जिन भाई ने पेमेंट किया है 100% आईडी उनको 2 मिनट में मिला है और 100% सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है, और काम भी सुपर फास्ट हो रहा है। कभी कभी यूएसएल का सर्वर डाउन रहता है तो पेंडिंग भी रहता है, ठीक है।
तो यहाँ पे फ्रॉड या झूठ का कोई जगह नहीं, यहाँ पे सिर्फ लीगल सर्विस आपको मिलेगा। अगर आपको आईडी के रिक्वायरमेंट है, जल्दी से मुझे नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे मैसेज करें और अपना डिटेल जो है, डिटेल में अपना आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप दीजिएगा, तभी आपको आईडी मिलेगा। बहुत भाई बोलता है आईडी मिलने के बाद पेमेंट करूंगा, कहीं कहीं तो ऐसे बोलते हैं आईडी दो हम एक डाटा लगाएंगे उसके बाद सक्सेस होगा तभी आपको पेमेंट करेंगे। तो भाई ये इसी तरह की हवा के बातें यहाँ मत करिए आप लोग, ठीक है। ये हवा के बातें यहाँ नहीं चलता है। आप लोग का डाटा मैं आईडी दूंगा, आईडी में डाटा लगाओगे सक्सेस होगा तभी आप मुझे पेमेंट करोगे, भाई इतना नीचे मैं गिरा हुआ नहीं हूँ कि आप लोग मैं फोर्सफुली आईडी प्रोवाइड करो, हाँ भाई करो जब सक्सेस होगा तब मुझे पेमेंट करो, भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आईडी चाहिए, आप डिटेल के साथ पेमेंट करना होगा तभी आपको आईडी मिलेगा, ये साफ साफ बात है। अगर इंटरेस्टेड हो तो मैसेज करना, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज़ बेवजह मुझे मैसेज या फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करना, सिंपल सी बात है। अगर आईडी लोगे तो पेमेंट आपको भेजना होगा, डिटेल आपको भेजना होगा तभी आपको आईडी मिलेगा, ठीक है। अगर आप पेमेंट करने के लिए राजी हो या पेमेंट करोगे, डिटेल भेजोगे तभी आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप अपना और मेरा टाइम बर्बाद मत करिएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसी तरह से आप मत करिएगा, अगर आपका आईडी का रिक्वायरमेंट है आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, डिटेल दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, दो मिनट के अंदर आपको आईडी मिल जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, आगे इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन का जरूर दबा के रखिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।